जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में ही उजाला होगा। जिंदगी के अंदर यदि आपको कामयाब होना है तो एक बात मान लीजिए, नेवर गिव अप का एटीट्यूड लाइए, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड लाइए। क्योंकि कहते हैं जब एक असफल इंसान अपनी सांस तोड़ देता है उसी वक्त के अंदर एक सफल इंसान के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और वो उस लक्ष्य को पा लेता है जो ऑर्डिनरी नहीं पा पाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक किसान अपने घर के बाहर कुएं की खुदाई कर रहा होता है, वो 10-15 फीट गड्ढे खनता और उससे पानी नहीं निकलता। वो फिर से किसी और से पूछता कि पानी यहाँ पे नहीं निकल रहा है, कहाँ पे निकलेगा? तो किसी कोई कहता बगल में निकल आएगा। वो बगल में भी खुदाई शुरू कर देता था, वहां पे भी 10-15 फीट गड्ढे खोदता था, वहां पे भी पानी नहीं निकलता था। फिर एक सज्जन ने बोला कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पानी निकलेगा। वहां पे भी जाके वो 10-15 फीट तक खुदाई करता रहा, वहां भी पानी निकला। ऐसी 5-6 जगह पर खुदाई करता रहा। उसके बाद वो हार मान जाता है और अपनी किस्मत को दोष देता है कि मेरी किस्मत में पानी ही नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक समझदार इंसान उसको मिला, कहा कि आपको जगह जगह गड्ढे खनने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपने पहली बार गड्ढा खना था चलो वहां चलते हैं और उसमें नीचे तक खुदाई करना शुरू करते हैं। खुदाई शुरू ही 15 से 20 फीट, 20 से 25, 25 से 30 और 35 फुट के बाद से पानी निकल गया। यकीनन यही जिंदगी है। कई बार जब हमको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते तो हम इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, कई जगह गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं कि यहां से रिजल्ट नहीं मिला, यहां से मिल जाएगा। यदि जगह जगह गड्ढे खोदते रहोगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। जो करियर आपने चूज किया है उसी में आगे बढ़ते रहो और उसमें गहराइयों तक जाओ, एक दिन पानी जरूर निकलेगा। क्योंकि आपने जिंदगी में कामयाब होने का लक्ष्य बढ़ा लिया है तो आपको संघर्ष बड़ा करना पड़ेगा। बार बार यदि आप हार मानकर पीछे हट जाते हैं तो यकीनन आपको फिर से उतना चलना पड़ेगा जहां से आप पीछे वापस आए हैं। सो बार बार पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि बार बार आपको उसी मजबूती के साथ अपने आप को स्टैंड करने की जरूरत है, मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप कभी हार नहीं मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। कहते हैं कि हारना एक अलग बात है लेकिन हार मान लेना एक अलग बात है। नाकामयाबी से लड़ते रहो, गिरने के बाद हर बार उठकर खड़े होते रहो, प्रयास करना जारी रखो, कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी हार है। कहते हैं कि दिन सभी के आते हैं, इसलिए कोशिश करते रहिए, हिम्मत रखिए, आपके भी दिन आएंगे, आज नहीं तो कल। किसी भी काम को करना सिर्फ इसलिए ना छोड़ दें कि वो काम कठिन है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी काम हो कठिन ही होता है। अपने सपनों को यूं ना मार दें, क्योंकि यदि आप यूं ही मार देंगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ बड़े ख्वाब हासिल नहीं कर पाएंगे। कभी हार मत मानिए दोस्तों, आज कठिन है कल और बदतर होगा, लेकिन विश्वास रखिए परसों इससे बेहतर होगा, नशो धूप जरूर खिलेगी। विजेता वो नहीं है जो कभी हारता नहीं है, बल्कि विजेता वो है जो हर बार हार कर खड़ा होना जानता है। फिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। तो खड़े हो जाओ, कड़ी मेहनत करो, लेकिन कभी हार मत मानो। एक पल में खेल बदल सकता है, आप जीत सकते हैं, लेकिन हार मत मानो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, उठो, तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। जीवन में समाप्ति जैसी कोई चीज नहीं है, इवन विफलता भी एक नई शुरुआत है, इसलिए कभी हार मत मानो। तुम्हें चीखने की अनुमति है, रोने की अनुमति है, लेकिन हार मानने की अनुमति नहीं है। भगवान एक इंसान को उतने ही कष्ट देता है जितना वो सह सकता है। यदि आपको ईश्वर ने इंसान बना के भेजा है, इसका मतलब है इस जिंदगी के अंदर तुम जीत सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, इसलिए हार मत मानो। जिंदगी में कभी भी आप हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। सीखना जारी रखिए तो हारने जैसा कुछ महसूस नहीं होगा। लास्टली इतना ही कहना चाहूंगा कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को उगने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में जरा वक्त लगता है।
कुछ देर रुकने के बाद फिर चल पड़ना दोस्त, क्योंकि ठोकर के बाद उठ खड़े होने में जरा वक्त लगता है। तूने जो कहा है कर दिखाएगा यकीनन, क्योंकि गरजे हुए बादल को बरसने में जरा वक्त लगता है। हार मत मानो, लड़ते रहो, कामयाबी आपकी है, आपको सफलता मिल। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक दे, क्योंकि आपको अपने अंदर विश्वास है और आपने कभी ना हारने की ठान ली है और मान लिया है कि आप जीत कर दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।